अब द्वारिकानाथ सोच रहे हैं ऐसे विश्राम करते थकते थकाते सोते जगते आवेंगे तब तो सालों बीत जाएंगे द्वारिका पहुँचते पहुँचते। गरुण जी को आदेश किया है और भगवान गरुण जी को आदेश किए जाओ अमुक वृक्ष के नीचे हमारा भक्त सो रहा है चुपचाप ला के द्वारिका के बाहर सुला दो पता न चलने पाए। ठाकुर जी का आदेश स्वीकार करके गरुण जी ने उनके आदेशानुसार सब कुछ वही का वही कर दिया। सुदामा जी महाराज जब उठे हैं ऊंचे ऊंचे स्वर्ण महलों को देखे तो बड़े आश्चर्यचकित हुए। नागरिकों से पूछा ये कौन सी नगरी कौन सा पुर है। नागरिकों ने कहा महाराज ये द्वारिकापुरी है। बड़ी जल्दी द्वारिकापुरी आ गई। ऐसा लगता है कृष्ण चिंतन में मार्ग जल्दी कट गया। अब मार्ग कैसे कट गया सुदामा जी को खुद नहीं पता। तीन ड्योढ़ियों को पार किया है जैसे चौथी ड्योढ़ी पर सुदामा जी महाराज पहुंचे हैं वहां उन्हें भगवान के श्रेष्ठ पार्षदों का दर्शन हुआ है। सुदामा जी से उन्होंने प्रार्थना की है हे ब्राह्मण देवता हमारे भगवान ब्रह्मण्य देव हैं ब्राह्मण भक्तों को अपना इष्ट मानते हैं उनकी आज्ञा है द्वार से कोई भक्त ब्राह्मण खाली हाथ न जाए अतः आपको अन्न धन जिस वस्तु पदार्थ की इच्छा हो आप निसंकोच मांग लें। सुदामा जी मना करते रहे भैया धना अन्न आदि के लोभ से हम नहीं आए हमें तो एकमात्र कृष्ण दर्शन की अभिलाषा है। तो ठीक है महाराज आप यहीं बिराजे हम भगवान को सूचना दे देते हैं। सुदामा जी ने कहा भैया उन्हें यह भी खबर कर दें कि ना उनके बाल्यकाल का सखा आया है हो सकता है याद आ जाए। पार्षदों को सुदामा जी की वेशभूषा देखकर तो भरोसा नहीं हुआ कि ये द्वारिकाधीश के मित्र हो सकते हैं पर चलो जो भी हो हमारा कार्य है सूचित करना हम कर देते हैं। पार्षदों ने जाके सूचित किया है। इधर सुदामा जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं पता नहीं इस अनधिकारी जीव पर कृपा होगी कि नहीं होगी दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इधर श्री ठाकुर जी ने जैसे ही सुदामा जी के आगमन का समाचार प्राप्त किया है देखियो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे ने भक्तों ने अपनी अपनी भावनाओं में बड़ा सुंदर इस चरित्र का चित्रण किया है। परम भक्त कवि श्री नरोत्तम दास जी ने शीश पगा ना जगा तन पे सुदामा जी का बड़ा सुंदर स्वरूप गाया है और द्वारपालों से ठाकुर जी के पास खबर भिजवाई है। लेकिन भागवत जी में ऐसा उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण भक्तों के लिए द्वारिकाधीश के महल में कोई रोक टोक नहीं थी कि पार्षदों से कहना पड़े या द्वारपालों से कहना पड़े। सुदामा जी सीधे आए हैं और सीधे द्वारिकानाथ के महल में चले गए हैं और वहाँ जब श्री ठाकुर जी ने देखा है भक्तमाल जी में लिखा है देखियो श्याम आयो मित्र चित्रवत रहे ने हित को चरित्र दौरी रोए गरे लागे हैं। जैसे ही श्री द्वारिकाधीश ने देखा है सुदामा जी आए हैं दौड़कर श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया और जब हृदय से लगाया है रानी महारानियों को देखकर आश्चर्य हुआ महान आश्चर्य क्योंकि मानो एक तन भयो लयो ऐसे लाए छाती छूटे नयो यह प्रेम छूटे नहीं अंग पागे हैं। रानी महारानियों ने देखा दोनों ऐसे एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो गए हैं मानो दोनों का शरीर एक हो गया हो। ऐसा सम्मान या ऐसा आतिथ्य तो भगवान ने आज तक किसी को नहीं प्रदान किया है। दोनों मित्र परस्पर एक दूसरे से हृदय लगे हैं। श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज को पर्यंक पर विराजमान किया है और प्रीतो व्यमुंचद बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण है नेत्रों से झरझर प्रेमाश्रु बहने लगे। रुक्मणी जी पाद्य लेकर खड़ी हैं पाद्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। श्री ठाकुर जी ने अपने प्रेमाश्रुओं से ही सुदामा जी महाराज का पाद प्रक्षालन किया है। स्नान किया विश्राम किया भोजन आदि किया और उसके बाद सुदामा जी महाराज श्री द्वारिकानाथ के साथ बैठकर प्राचीन गुरुकुल काल की घटनाओं का स्मरण करने लगे। श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज से पूछा सुदामा जी भार्योढ़ा सदृशी नवा आप बाल्यकाल से बड़ी बड़ी बाबाजी पने की बातें किया करते थे तो आप कहीं सचमुच बाबा जी हो गए या गृहस्थ धर्म भी स्वीकार किया है और विवाह किया तो पत्नी अनुकूल मिली कि नहीं मिली। सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं ये कृष्ण बन गया द्वारिकाधीश पर अभी
जो मन का छिछोरापन है वह नहीं गया है, ना हमारे हालचाल लिया ना कुशल मंगल लिया, वो सीधे सीधे ब्याह की बात करने लगा। भार्योढ़ा सदृशी नवा, विवाह हो गया कि नहीं हुआ और पत्नी अनुकूल मिली कि नहीं मिली। सुदामा जी महाराज बोले, भैया कन्हैया तेरी कृपा से सब कुशल मंगल, विवाह भी हो गया, पत्नी भी बड़ी अनुकूल परम वैष्णवी मिल गई और तेरे दर्शन के लिए उसी के आग्रह पर मैं आया हूं। तब श्री ठाकुर जी बोले, किम उपायनम आनीतम ब्रह्मन में भवता गृहात। तब आप अपने घर से हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं कि ऐसे खाली हाथ चले आए? अब तो सुदामा जी महाराज ने बगल में दबी हुई पोटली को और कस लिया। भक्तमाल जी में वर्णन है, चिवड़ा छिपाए कांक पूछे कहा ल्यायो मोको, अति सकुचाए भूमि तकें दृग भीजे हैं। सुदामा जी महाराज लाने की बात पर अत्यंत संकोच में आ गए। जैसे ही पोटली को दबाया, श्री ठाकुर जी समझ गए अंतर्यामी हैं, लाए हैं पर संकोचवश दे नहीं रहे हैं। तो सुदामा जी का संकोच खुल जाए इसके लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अणु अपि उपहारतम भक्तैः प्रेमणा भूरियव मे भवेत। सुदामा जी, अगर छोटी से छोटी भेंट भी लाए हो तो संकोच मत करना। भूरियव्य भक्तोपहारतम नमे तोषाय कल्पते। बड़ी से बड़ी भेंटों को लेकर भी मैं क्या करूँगा जिसमें भाव ना हो, भाव विहीन भेंट तो बड़ी से बड़ी भी हो तो हम स्वीकार नहीं करते। तब भी सुदामा जी ने नहीं पोटली निकाली। तब श्री ठाकुर जी कहे, भागवत जी में भी यह भाव है और श्रीमद् गीता जी में भी भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। सुदामा जी महाराज, पत्र पुष्प भी हो तो संकोच मत करना, जो हो सो दे दो। सुदामा जी महाराज कहाँ देने वाले। तब तक श्री ठाकुर जी समझ गए ये स्वयं तो नहीं देंगे, स्वयं जहार बगल में दबी हुई पोटली को अपने हाथों से खींच लिया। आप तो कह रहे थे कुछ नहीं लाए, तब यह क्या है? अरे प्रभु, ये आपके आरोगने योग्य नहीं है महाराज, ये तो ऐसे ही रास्ते के लिए सूखे तंदुल चिवड़े ले आए, महाराज ये आपके आरोगने योग्य नहीं है। तब तक द्वारिकाधीश ने पोटली को खोला, अब छीना जपटी में, पोटली का पुराना मैला कुचैला कपड़ा फटफटा गया। एक मुट्ठी को आरोगा, दूसरी मुट्ठी को आरोगा और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी श्री द्वारिकानाथ भगवान ने, खोलत सकुचत गांठरी चितवत हरि की ओर, जीरन पट फटी छुटी परे बिखर गए तेही ठोर। जैसे ही तीसरी मुट्ठी भरी है, कांप उठी कमला मन सोचती मोसों कहा हरि को मन ओक्यो, रिद्धि कपि सब सिद्धि कपि नव निधि कपि ब्रह्मणा यह धोको। रुक्मणी जी का हृदय कांप गया, कहीं हमारे से मन ठाकुर जी का भर तो नहीं गया, क्या करना चाहते हैं, कोई अपराध तो हमसे सेवा में नहीं बन गया। सब वृद्धि सिद्धि निधियाँ कांप गईं, न जाने किसको ठाकुर जी द्वारिका से और सुदामा जी के यहाँ भेज दें। सोच भयो सुर नायक को जब दूसरी बार बार लियो भरी झोंको, देवराज इंद्र भी घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो अब स्वर्ग ही दे दें। वे अपने आसन को लेकर घबराने लगे जैसे दूसरी मुट्ठी ठाकुर जी ने भरी। मेरु डरयो बक्से जनि मोहे कुबेर चबावत चाउर चौको, मेरु कुबेर ये बड़े बड़े धन के देवता घबरा गए, पता नहीं किसको सुदामा जी के घर जाना पड़ जाए। हाथ गयो प्रभु को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दुई दीन कियो तुमने दुई लोक बिहारी। रुक्मिणी जी कह रही है, महाराज दो मुट्ठी खाके से दो लोक का वैभव आपने प्रदान कर दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाके क्या हमें भी सुदामा जी के घर भेजना चाहते हैं क्या? खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ कहाँ निज वास की आस बिचारी, तीसरी मुट्ठी भी इसे खाके दे दोगे तो फिर स्वयं कहाँ रहोगे? रंग कहीं आप समान कियो तुम चाहत आप ही होन भिखारी, आपने सुदामा जी को तो अपने समान कर दिया, अब स्वयं क्या भिखारी बनना चाहते हो क्या? रुक्मिणी जी कंपित हो गई और रुक्मिणी जी ने कहा, भगवान ये शास्त्र का नियम है, सुस्वादु भोजन कभी अकेले नहीं करना चाहिए, जब इनमें इतना ही स्वाद आ रहा है तो अकेले अकेले क्यों खा रहे हो, हम सब 16,108 रानियां बैठी हैं, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। सब ने एक एक किनका के रूप में वह स्वीकार किया। इधर श्री ठाकुर जी संपूर्ण रात्रि
सुदामा जी महाराज की चरण दबाते रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा झलती रही हैं। अब तो सवेरा हुआ, सब रानी महारानियों के यहाँ खबर फैल गई, ऐसे कोई ब्राह्मण देवता आए हैं। सारी रात रुक्मणी जी ने तो पंखा की सेवा करी है और स्वयं श्री ठाकुर जी ने चरण सेवा करी है। अब तो जितनी रानी महारानियाँ सबके मन में सेवा की समुत्सुकता जाग गई, हम क्या कम है रुक्मणी जी से, हम भी सेवा करेंगी, हमें भी सेवा सौभाग्य मिलना चाहिए। अब 16108 रानियाँ अपने अपने घर से पूजा सामग्री थाल सजा के लाई हैं, तो कई किलोमीटर में पंक्ति लग गई। अब सुदामा जी सोच रहे हैं आज कौन से ग्रह देवता को पूजन है। सुदामा जी ने कही भैया कन्हैया आज कोई देवता को पूजन लगे, कोई पर्व है का। ठाकुर जी बोले महाराज आप पधारे हैं, या से बड़ो कहाँ पर्व होएगो, और आपसे बड़े ग्रह देवता कौन होंगे, ये सब हमारी रानी महारानी आप ही की पूजा करवे आई हैं। सुदामा जी महाराज तो सोच के घबरा गए सुन के। सुदामा जी बोले भैया तो या को मतलब तेने भी विवाह कर लियो है। ठाकुर जी बोले महाराज ब्राह्मण देवता विवाह कियो नहीं है, विवाह तो कर लिए हैं, तो क्या मतलब कोई 100-200 विवाह कर लिए, नहीं और ज़्यादा कर लिए तो 2-4 हज़ार कर लिए होंगे। नहीं महाराज और ज़्यादा, 16108 विवाह हो गए हैं। सुदामा जी तो परम आश्चर्य में डूब गए। तो भैया इतनी हजारों रानी महारानियों के साथ तू कैसे रहे। ठाकुर जी बोले ब्राह्मण देवता आपकी बड़ी कृपा है, सब मन के अनुकूल भारिया मिली हैं, तो हजारों रानियों के संग भी रहवे में कोई समस्या नहीं हुई, सब आपकी कृपा है, और सब बड़ी ब्राह्मण भक्त हैं, ये सब आपको पूजन अर्चन करवे आई हैं। सुदामा जी बोले भैया इतनी रानी महारानी पूजन करेंगी तो 1-2 साल तो हमें यहीं रहना पड़ जाएगा, 2-4 साल इनको आशीर्वाद देवे में लग जाएंगे, ऐसा है तू इन सब की जगह अकेलो पूजन कर ले, तेरो तो विनोद और 16108 रानी ते पूजन करा के का मेरो मरण कराएगो, तू इनको अर्धांग है, ये सब तेरी अर्धांगनी है, तू इन सब की जगह ते पूजन कर ले, जो आशीर्वाद देनो हम तो ही को दे देंगे, आधो तो को लगेगो आधो तेरी रानी महारानी को लग जाएगा। तब स्वयं श्री ठाकुर जी ने अपनी पट महिषियों के साथ श्री सुदामा जी महाराज का पूजन किया, और सुदामा जी महाराज पूजित होकर अनुक्षण वहाँ से जाने की अनुमति लिए हैं। भगवान ने जैसे ही अनुमति प्रदान की है सुदामा जी वहाँ से चले हैं, और सुदामा जी जब चले तो मन में एक ही विचार मन में कर रहे हैं, कौन सा विचार, अधनो यम धनम प्राप्य माद्यन्नुच्चै माम स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। श्री ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की कि मुझे निर्धन को धन नहीं दिया, धन देना तो दूर भगवान ने धन की चर्चा भी नहीं की, क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है चार चीजों की चर्चा न सुननी चाहिए न करनी चाहिए, नास्तिक धन स्त्री वैर चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम, बहिर्मुख लोगों की नास्तिक लोगों की चर्चा न कभी सुननी चाहिए न करनी चाहिए, न जाने कब बहिर्मुखता जीवन में आ जाए अपने चित्त में उपज जाए, कभी उनकी चर्चा न सुने न करे। दूसरा है स्त्री चर्चा, स्त्री चर्चा से मतलब, स्त्री चर्चा से मतलब ऐसा नहीं कि कोई भक्तिमती मीराबाई जी या करमेती बाई जी की स्त्री चर्चा करने का खंडन किया है, स्त्री चर्चा का मतलब विषय की चर्चा न कभी सुननी चाहिए न करनी चाहिए, और धन की चर्चा न सुननी चाहिए न करनी चाहिए, जितना सुनोगे करोगे और प्राप्ति का लोभ जागेगा, फिर उसी के प्रयास में लगे रहो, दिन रात कमाओ धमाओ गधे बैल की तरह लगे रहो। अरे चर्चा तो भक्तों के मध्य बैठकर केवल भगवत भजन की सुननी करनी चाहिए, और वैर चरित्रम शत्रु की चर्चा भी कभी नहीं करनी सुननी चाहिए, उससे द्रोह मन में पैदा होता है, द्वेष भाव जागता है, कैसे अनिष्ट कर दें, कैसे उसका बुरा हो जाए, ईर्ष्या का भाव जगता है, चित्त उद्विग्न होता है, अस्थिर होता है, ये चार चर्चा न करे न सुने। सुदामा जी कह रहे कितनी बड़ी कृपा भगवान ने मेरे ऊपर की, धन की चर्चा न की न धन दिया, क्योंकि जान रहे हैं भगवान ये निर्धन जन्म का भिखारी ब्राह्मण धन पाके मतवाला होगा, और सबसे बड़ी हानि इसकी ये मुझे भूल जाएगा। भगवान की विस्मृति से बढ़कर जीव की कोई हानि नहीं है, भगवान को भूल जाए इससे बड़ी क्या हानि है। हम सब लोग कृपा कृपा चिल्लाते तो हैं, पर कृपा क्या है ये हम तुम नहीं समझ पाते हैं, कृपा मिल जाए कृपा मिल जाए, पर कृपा की योग्यता भी तो होनी चाहिए।
और योग्यता क्या है। इनने करी करी सो आछी अपने सिर पे सही है, कृपा श्री लालन जू की चाहिए। भगवान ने जो किया, निर्धन किया, दारिद्र दिया, धन नहीं दिया, धन की चर्चा नहीं की, ये सब ठाकुर जी की कृपा ही है। हम लोग सुख को तो कृपा के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दुख को भगवत कृपा कभी नहीं मानते। सुख और दुख, सभी प्रकार की परिस्थितियां ठाकुर जी के मंगल विधान के रूप में दिखाई देने लग जाए, यही सबसे बड़ी कृपा है। सूर कछु कहवे को नाही, श्याम शरण में रहिए। हम लोग तो और दुख आ जाए तो और गालियां देने लगते हैं, इतने साल से भजन कर रहे हैं, यही दुख दिखाना था क्या प्रभु, यही दिन दिखाने थे क्या, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष और लगाते हैं भगवान को। ये कृपा पाने वालों का लक्षण नहीं है, कृपा पाने वालों का लक्षण तो यही है, इनने करी करी सो आछी, इन्होंने जो किया सो अच्छा किया, अपने सिर पर सही है। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछु न कहिए। कुछ बुरा हो जाए तो भगवान ने किया, ऐसा नहीं, ये तो हमारे ही कृत कर्मों का फल है, ये हमारे ही कर्म विपाक बनकर आए हैं, भगवान ने ऐसा किया है, ऐसा कभी भक्त नहीं सोचता है, वो अपना ही दोष देखेगा तो। सूर कछु कहवे को नाही, श्याम शरण में रहिए, कृपा श्री लालन जीव की चाहिए। सुदामा जी महाराज वास्तविक कृपा के स्वरूप को समझे हैं, मुझ निर्धन को भगवान ने धन नहीं दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। और बड़ा सुंदर एक सिद्धांत है यहाँ, भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, राज्यम विभूतिर न समर्थ यत्यज, अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। दो बातें हैं, पहली बात तो भक्त को भगवान कभी धनादि नहीं देंगे, और यदि दे भी देंगे तो भगवान उस धन से उत्पन्न होने वाले मद से जीव को बचा लेंगे। धन हो और मद ना हो, ये भगवान की वास्तविक कृपा है, नहीं तो प्रायः असुको नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाहि जाय मद नाही। ये असंभाव्य स्थिति है, ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि धन हो, प्रभुता हो, वैभव हो, ईष्टता हो और उसका मद ना हो। सुदामा जी महाराज को भगवान ने सन्मुख खड़े होकर धन नहीं दिया, क्योंकि सामने से धन देंगे तो ये मदांध हो जाएंगे, धन के मद में अंधे हो जाएंगे, और पीछे से इतना कुछ दे दिया कि देवराज इंद्र के पास भी वो वैभव नहीं है, तो पीछे से क्यों दिया? इसलिए दिया कि सुदामा जी की भक्ति के आगे ठाकुर जी सोच रहे हैं, मैं इनको जो भी कुछ दूंगा सो बहुत कम है। अत्यंत संकोच में आके छिपकर भगवान ने दो लोगों का वैभव सुदामा जी को प्रदान किया है। जिस समय राम जी ने विभीषण जी को लंकाधिपति बनाया है, तो वहां गोसाई जी ने स्पष्ट संकेत किया है, गोसाई जी महाराज वहां स्पष्ट कहे हैं, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। कितनी बार मस्तक काटने पर रावण को जो संपदा मिली थी, वो विभीषण जी को केवल राम जी के शरण में आने से राम जी ने संकोच में आकर दी, मैं क्या विभीषण को दे रहा हूँ, इसकी भक्ति के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। सुदामा जी को इतना कुछ दे दिया पर पीछे से छिपके दिया, क्योंकि जो दूंगा सो सुदामा के लिए सब कम है, इसकी भक्ति के आगे सब कम है। अत्यंत संकोच में आके सुदामा जी को दिया है। और सुदामा जी महाराज जिस समय घर को लौटे हैं, सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी के उस वैभव को, ऐश्वर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा जी के मन में तो सोच हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैं स्वप्न देख रहा हूँ, या कोई मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, या मैं रास्ता भटक गया हूँ, या राजा ने रई सही झोंपड़ी भी उखाड़ फेंकी और नगर बसा लिया है। सूरदास जी का पद है, सुदामा महलन देख डरे, डर गए सुदामा जी महाराज। और इधर से सुशीला जी दास दासियों के साथ जब चली हैं, दूर ही ते चीनी कहो आयो पिय द्वारिकासों, सजके सुदामा वाम उठी अतुराय के, उर्वशी तिलोत्तमासी पूर्व चित्ती मेनकासी, सेविका हजार लीनी चली संग चाय के, पान दान वारी
केती पीक दानवारी और पंखावारी पटवारी चली अति धाय के आरती उतारे गाय मंगल मनावे विप्र अति सकुचाए वह फूले सुख पाए के। सुशीला जी दौड़ के गई दास दासियों के बीच में, ऐसी लग रही है सुशीला जी जैसे साक्षात माँ लक्ष्मी जी आई हो। आरती का थाल लिए सुदामा जी का सत्कार करने अनेकानेक सुंदर सुंदर देवियां साथ में चल रही हैं। श्री सुदामा जी महाराज ने जब सुशीला जी के उस स्वरूप को देखा है तो सुदामा जी को तो और भय हो गया। सुदामा जी को लगा लगता है जरूर कोई राजा यहाँ आ गया है, अब हमारी सब परिवार गृहस्थी तो कैद कर ही ली है, अब लग रहा है ये रानी हमें पकड़ने के लिए आ रही है। आलिन के जूयूथ ज्यो ज्यो आदर सो बोले आए त्यों त्यों डर पाए पग आगे को न देते हैं। जैसे जैसे दास दासियां आगे बढ़ रहे हैं आइए महाराज स्वागत है, ऐसे ऐसे सुदामा जी पीछे को भागते जा रहे हैं, अब ये हमें पकड़ेंगी हमें कैद करेंगी। पंडित न ज्योतिषी न वैद्यवान न कौतकी हो रानी जो बुलावती है कहो कौन देते हैं। सुदामा जी को लगा मानो ये हमें कोई ब्राह्मण समझ के या ज्योतिष का प्रकांड विद्वान ज्योतिषी समझ के या वैद्य समझ के हमें पकड़ने आ रही है। सुदामा जी कह रहे अरे देवियों मैं न पंडित हूँ न मैं कोई विद्वान हूँ न ज्योतिषी हूँ न वैद्य हूँ, तुम क्या कर लोगे मुझे ले जाकर। द्वारिका के राजा ते मिले ते घर छीन गयो रानी कहा छीनेगी फलो न मेरो खेत है। एक द्वारिकाधीश से मिलने गया तो रही सही गांठ की झोंपड़ी भी उड़ गई, अब रानी हमें कहाँ कैद में ले जाएगी क्या करेगी हमारा ले जाके। मोसों कहा ना तो तुम जाए कहो वाते मोहे भूली ना सुहातो को सांची कह देते है। मेरा वही किसी से कोई संबंध नहीं है मुझे कहाँ तुम पकड़ के ले जा रहे हो। सुशीला जी समझ गई सुदामा जी महाराज घबरा गए हैं, आगे बढ़ के सुदामा जी को सुशीला जी ने चरण स्पर्श किया है और जैसे ही स्वामी कहकर संबोधित किया है अब तो सुदामा जी को भरोसा हो गया ये कोई और रानी महारानी नहीं ये तो स्वयं सुशीला जी हैं। अब तो इतना आश्चर्य सुदामा जी को हुआ है, तब वहाँ सुशीला जी ने कहा है जाओ एक बार वह वदन निहार आओ जो पे कछु पाओ ल्याओ मोको सुखदाई है। हे नाथ इसीलिए तो एक बार मैंने आपके उत्तम श्लोक भगवान दर्शन करने के लिए मैंने आपको भेजा था, एक बार दर्शन कराओ मांगने जांचने की जरूरत नहीं है, उनके तो दर्शन मात्र से सब दुख दारिद्र का हरण हो जाएगा और वही हुआ। और सुदामा जी महाराज की रहनी देखो, भक्तमाल जी में लिखा है वह हरि ध्यान रूप माधुरी को पान तासो राखे निज प्राण जाके प्रीति रीति नई है भोग की न चाह ऐसे तनु निर्वाह करें धरें सोई चाल सुख जाल रसमई है। अनंत सुख वैभव सुदामा जी को मिल गया पर सुदामा जी की रहनी वैसी की वैसी, ऐसा नहीं उस वैभव को पाके कोई मदोन्मत्त हो गए हों मतवाले हो गए हों, वही ठाकुर जी के ध्यान में दिन व्यतीत होता है वही भजन में सब समय चला जाता है वही भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह कर रहे हैं वही जीवन एक रस रहनी सुदामा जी महाराज की है। और श्री सुदामा जी महाराज श्री ठाकुर जी की उस अत्यंत कृपा करुणा का विचार करके उनका हृदय गदगद हो गया। सबका दुलारा है मेरा कृष्ण कन्हैया सबका दुलारा
परीक्षित जी महाराज को यह सुदामा लीला का श्रवण कराया। इसके आगे परीक्षित जी की जिज्ञासा पर वेद स्तुति की चर्चा सुखदेव जी ने की है। शंकर जी के संकट मोचन की कथा कही है। जिस समय परीक्षित जी ने सुखदेव जी से यह जिज्ञासा की, जो भगवान निर्गुण हैं, जो भगवान लक्ष्मीपति हैं, उनके उपासक तो विरक्त निष्किंचन अवधूत देखे जाते हैं, और जो शंकर जी अवधूत हैं उनके उपासक ज्यादा राजसी तामसी देखे जाते हैं, ऐसा विपरीत फल क्यों है। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित जी यही जिज्ञासा स्वयं युधिष्ठिर जी ने जब भगवान से की, तब भगवान ने स्वयं समाधान किया था। शंकर जी, ब्रह्मा जी, ये रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए इनकी उपासना से राजस तामस का आना स्वाभाविक है। और स्वयं भगवान जो हैं वे निर्गुण हैं, गुणातीत हैं, इसलिए उनके उपासक परम निष्किंचन निष्काम देखे जाते हैं। एक बार तो स्वयं शंकर जी वरदान देकर संकट में पड़ गए थे। वृकासुर को वरदान दे दिया, तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा वह नष्ट हो जाएगा। उसने ऐसा वरदान मांगा था, मिल गया वरदान। वृकासुर ने पार्वती जी के रूप लावण्य से मोहित होकर शंकर जी के मस्तक पर हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। अब तो शंकर जी संकट में पड़ गए, भगवान श्री हरि के शरणागत हुए।